इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडोनेशिया में बड़ा विमान हादसा हुआ है। आज सुबह 6:20 पर लाइन एयरलाइंस का एक विमान जकार्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरने के महज 13 मिनट बाद समंदर में जा गिरा। ये जो हादसा हुआ है वो पश्चिमी जावा के कारवांग के करीब हुआ। इंडोनेशिया में बड़ा विमान हादसा हुआ है, इंडोनेशिया में समंदर में क्रैश हुआ है विमान। सुबह 6:20 पर लायन एयरलाइंस का यह विमान जकार्ता एयरपोर्ट से, इस विमान ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के महज 13 मिनट के बाद समंदर में जाकर गिरा, समंदर में जाकर क्रैश हुआ लायन एयरलाइंस का यह विमान। और इसके बाद देखिए किस तरीके से राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पानी के जहाज आपको दिख रहे हैं यहां पर। दरअसल विमान में 7 क्रू मेंबर समेत 188 लोग कुल सवार थे। और बड़ी बात यह कि इस विमान को भारतीय पायलट भव्य सुनेजा उड़ा रहे थे, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। भव्य 2011 से लाइन एयर से जुड़े हैं। 2 साल पहले यानी 2016 में उनकी शादी हुई। ये भव्य सुनेजा की तस्वीर आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2011 से इस एयरलाइन से जुड़े हुए थे भव्य सुनेजा, दिल्ली के रहने वाले हैं भव्य सुनेजा। 2016 में 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई। फ्लाइट JT610 इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से पंकल जा रही थी ये फ्लाइट, और समंदर में जहां विमान क्रैश हुआ वहां बचाव कर्मी पहुंच चुके हैं। अब देख रहे हैं आप किस तरीके से अभी भी जो बचाव दल है वो एक तरीके से तलाशी अभियान जो समंदर के गहरे पानी में चला रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें विमान के हिस्से और यात्रियों के कुछ सामान बिखरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। कुल 188 लोग जो इस विमान में सवार थे, पायलट विमान का भारतीय भव्य सुनेजा, 2011 से इस एयरलाइंस के साथ जुड़े हुए थे भव्य सुनेजा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विमान क्रैश के बाद जो बचाव कर्मी हैं वो समंदर के पानी में उतर चुके हैं। और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें कुछ सामान नजर आ रहा है, विमान का कुछ हिस्सा दिख रहा है, यात्रियों का सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। हम सीधे रुक करते हैं बीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रणय, क्रैश की वजह क्या अब तक सूत्रों के हवाले से सामने आ पा रही है? देखिए रोमाना, इसकी तो जांच चल रही है कि क्रैश के कारण क्या थे, लेकिन ये सुबह करीब 6:20 पर जकार्ता समय से फ्लाइट जकार्ता से उड़ी थी और 1 घंटे बाद इसे पेनांग पंकल एक जगह है, द्वीप है, वहां पर पहुंचना था। और करीब 1 घंटे की इस फ्लाइट में कुछ ही समय बाद इसका ATC से संपर्क टूट गया और करीब जब 13 मिनट तक इस जहाज से संपर्क नहीं हो पाया। ये बोइंग का विमान था, JT610 इसका फ्लाइट नंबर था और इसे भारतीय पायलट, जो भारतीय मूल के भव्य सुनेजा है, वो वन ऑफ द पायलट थे, इसके लीड पायलट थे इस फ्लाइट के, और जिसके अंदर करीब 178 लोग और 3 बच्चे, बच्चों समेत 189 लोग करीब इसमें सवार थे। और इस फ्लाइट का जब हादसा हुआ तो उसके बाद से इसके बहुत सारे टुकड़े जो हैं वो समुद्र में गिरे हैं, करीब 30 से 40 मीटर नीचे समुद्र में वहां तलाश जारी है। और उसकी जो डेबरीज हैं यानी जो इसके क्रैश के जो हिस्से हैं वो अब पानी के ऊपर आ रहे हैं और वहां ये तलाश चल रही है इस समय। हालांकि अभी तक जो आशंका है, जेट जो लायन एयर है, एयरलाइंस ने इस बात की तस्दीक की है कि इसमें किसी के भी बचने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। यानी ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा हादसा, बेहद दर्दनाक हादसा। और क्योंकि आपने विमान कंपनी जो लायन एयर है उसका यहां पर जिक्र किया, तो विमान कंपनी लायन एयर के CEO की तरफ से ये भी कहा गया कि रविवार को ही इस प्लेन में भी कुछ तकनीकी खराबी सामने आई थी। हालांकि उनकी तरफ से यह सफाई भी दी जा रही है कि उसके बाद इंजीनियर्स ने उसे दूर किया जो तकनीकी खराबी थी और एक बार फिर से हरी झंडी इस विमान को मिली हवा में उड़ान भरने के लिए। लेकिन देखिए नतीजा ये विमान हादसा। प्रणय, बिल्कुल रोमाना, तकनीकी खामी का जिक्र उन्होंने लायन एयर के CEO ने किया है और ये पिछले, अगर कुछ समय में बात करें तो पिछले 3-4 सालों के अंदर ये चौथा हादसा है लायन एयर का। इससे पहले बाली के पास दुर्घटना हुई थी, जकार्ता के पास भी इससे पहले एक बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है लायन एयर का। ये वहां की बजट एयरलाइन है इंडोनेशिया की और जिसके पास अधिकतर छोटे और मझौले विमान है। और इस विमान के हादसे ने एक बार फिर जो है विमानन के लिए एक नई चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। हालांकि अगर इस हादसे की बात की जाए तो क्योंकि एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है किसी भी फ्लाइट को, तो फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले इसका मतलब ही यही होता है, यदि फ्लाइट टेक ऑफ करती है कि उसे एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी वो विमान उड़ने के लायक है। पैसेंजर्स को के साथ तो और भी ज्यादा इस बात का एहतियात बरता जाता है
कि विमान का एयरवर्दीनेस जो है वो फिट हो और उसके बाद ही उसे उड़ान की इजाजत दी जाए। तो इसका मतलब है कि विमान को सर्टिफिकेट जरूर दिया गया था, लेकिन अब रेट्रोस्पेक्ट में यानी अगर पीछे मुड़ के देखें तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से विमान में खामी थी, किस तरीके से उसमें जो है चूक की बात सामने आ रही है। हालांकि बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रणय उपाध्याय इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए ये जो क्रैश है ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है। लायन एयरलाइंस का विमान जो समंदर में क्रैश हुआ, 188 कुल लोग क्रू मेंबर समेत जो इस विमान में सवार थे और किसी के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं, सबके मरने की आशंका जो खुद जो विमान कंपनी है उसकी तरफ से जता दी गई है, एयरलाइंस कंपनी की तरफ से जता दी गई है। और अब आपको बताते हैं कैप्टन भव्य सुनेजा के बारे में जो ये विमान उड़ा रहे थे। कैप्टन भव्य सुनेजा जो एक भारतीय दिल्ली के रहने वाले, कैप्टन भव्य सुनेजा के बारे में जानिए। दिल्ली के भव्य 2011 से ये जो लाइन एयर है इसमें बतौर पायलट काम कर रहे थे, दिल्ली के एलकॉन स्कूल से पढ़ाई की थी भव्य सुनेजा ने। 2016 में भव्य सुनेजा की शादी हुई थी और हादसे के बाद से भव्य सुनेजा लापता हैं। एयरलाइंस की तरफ से कहा जा रहा है कि क्रू मेंबर्स समेत जितने यात्री विमान में सवार थे उनमें से किसी के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की, इंडोनेशिया में बड़ा विमान हादसा। सुबह 6:20 पर इस विमान ने जकार्ता से उड़ान भरी थी और उसके चंद मिनटों के बाद ये विमान जो समंदर में क्रैश हो गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।